नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल VDV ऑल अप टू डेट पर। दोस्तों, इस चैनल पर हम आपके लिए नई नई अपडेट लेके आते हैं, और जो भी इस चैनल पर नए हैं आपसे गुजारिश कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास में लगे बेल आइकन के बटन को क्लिक कीजिए ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो चलिए बढ़ते हैं एक नई अपडेट की और, बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, आज की जो हमारी बिग अपडेट, आज का जो हमारा नॉलेजेबल वीडियो है वो है ITR के संबंध में कि अभी जैसे 18-19 का साल ख़त्म हुआ है, तो इस साल में जो नौकरी पेशा लोग हैं या बिजनेस वाले, उनको इनकम टैक्स रिटर्न भरनी पड़ती है। अगर आप 5 गलतियां करते हैं इनकम टैक्स रिटर्न भरने में, तो आपको बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। यही हमारी आज की अपडेट है। तो चलिए बढ़ते हैं इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए क्या क्या बातों का ध्यान हमें रखना चाहिए। दोस्तों, नए फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत हो चुकी है। इस साल नौकरी पेशा करने वाले लोगों वित्त वर्ष 18-19 के इनकम टैक्स रिटर्न भरने की फाइल करना है, इसलिए उन्हें हाल ही में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने फॉर्म भी जारी कर दिया। ITR फाइल भरते समय आपको कुछ गलतियां से बचना है। आज हम आपको इन्हीं रिपोर्ट्स में आने वाली कॉमन गलतियों के बारे में बताएंगे कि ताकि आप जो है सही से ITR का फॉर्म भर सकें और होने वाली गलतियों से आप बच सकें। अगर आप गलतियां करते हैं तो आपको बड़ा नुकसान हो सकता है। नंबर एक है, अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न भरने फाइल करने जा रहे हैं तो आपको इनकम के बारे में सभी स्रोतों को बताना पड़ेगा। कोई आप छिपाएं ना, फॉर्म में इनकम टैक्स के बारे में जो इनकम के सभी सोर्स हैं उसकी जानकारी, सेविंग अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट और अन्य निवेश में होने वाली इनकम के बारे में भी बताएं। और अगर आपको ऐसा नहीं किया तो आपको आने वाले दिनों में मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। जानकारी छिपाए तो समझो इनकम टैक्स में आपने चोरी की, इसलिए कोई भी जानकारी आप छिपाएं मत। इनकम के जितने भी साधन, उनका सभी का ब्यौरा फॉर्म में लिखें। नंबर दो, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते समय आपको अपने व्यक्तिगत जानकारी भी सही लिखनी चाहिए। आपको सुनिश्चित करना चाहिए कि आपका मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, बैंक एड्रेस, पता, जन्मतिथि, पैन कार्ड और सभी का उल्लेख बिल्कुल सही से करें। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको नोटिस फेंक सकता है और आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। इसलिए अपनी व्यक्तिगत जो है पूरी जानकारी, आप अपना जो इनकम टैक्स रिटर्न का जो फॉर्म भरें उसमें सही सही दर्ज करवाएं। नंबर तीन, ITR भरने के लिए आपको सही फॉर्म का चुनाव करना होगा। दरअसल आय स्रोत और आय डिटेल्स के हिसाब अलग अलग फॉर्म में आते हैं। उदाहरण के लिए नौकरी पेशा लोगों को फॉर्म एक भरना पड़ता है और ITR फॉर्म दो उन लोगों के लिए जो ज़्यादा इनकम, यानी कि 50 लाख से ज़्यादा इनकी इनकम है, बिजनेस प्रोफेशन के आय वाली इनकम का स्रोत चलेंगे। और जैसे हाउसिंग अन्य स्रोतों से आने वाली आय, वहीं ITR 3 उन लोगों को भरना पड़ता है जो हिंदू एवरेज परिवार से भरा जाता है, जिनकी आय सैलरी बिजनेस हाउस प्रतिनिधि अलग अलग है। ITR दाखिल करते समय वक्त आपको सैलरी, इनकम टैक्स, इनकम के बारे में जानकारी गलत नहीं देनी चाहिए। दरअसल अक्सर देखा गया है कि ITR भरते समय लोग जो है बहुत बातें छुपा लेते हैं। बचत खातों का, निश्चित जमा रकम का, अर्जित ब्याज का सही जानकारी नहीं देते हैं। अगर ऐसा किया तो आपको भारी कीमत चुकानी पड़ती है। इसलिए आपको जो है सही सही से पूरा ब्यौरा जो है सही फार्म में आपको दर्ज करना चाहिए, ताकि जो आपको आगे मुश्किलों का सामना ना करना पड़ सके, तो इनसे आपको बचना चाहिए। नंबर पाँच है, आमतौर पर देखा गया है कि लोग लापरवाही की वजह से समय से ITR फाइल नहीं करते हैं। अगर आपने ऐसा किया तो आपको दिक्कत हो सकती है। दरअसल डेडलाइन के बाद ITR फाइल करने में आपको जुर्माना लग सकता है, इसलिए जो भी गवर्नमेंट के द्वारा निर्धारित जो डेट दी जाती है उसके आपको ITR यानी कि इनकम टैक्स रिटर्न्स आपको समय से भरनी चाहिए, और नहीं आपको जुर्माना लग सकता है और आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है। दोस्तों, आज की ये वीडियो हमारी यही थी कि इनकम टैक्स रिटर्न बनते समय किन किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। आपको कोई अपनी व्यक्तिगत इनकम या फिर कोई भी जो लैंड की, जो भी आपकी बिजनेस की, जो भी जितने प्रकार की आपको इनकम है, वो कभी भी छुपानी नहीं चाहिए, सही सही आपको फॉर्म में भरनी चाहिए। तो आज का जानकारी जो है इतनी थी। मिलते हैं जल्दी एक नई वीडियो के साथ। तो दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक तो कर ही दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास में लगे बेल आइकन के बटन को क्लिक कर दीजिए। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, बने रहिए हमारे साथ। We'll be right back.